मतलब सिग्नेचर कराने के लिए जाते हैं उसको भगाया जाता है। अब मुखिया 5 साल के लिए है, सब 5 साल मांगे छे, अहां कतेक टाइम लो रहल छे? 2 साल में अहां के अपन रिजल्ट टाइम कम बेटा, और ये ऑन कैमरा हम कह रहल छी, हिनकर बिहाफ में कह रहल छी, इनका सामने कह रहल छी, अगर हमर सब के 2 साल में अहीं एतो छी, जे बात एतो अगर पंचायत में विकास के बात छे, जे भी मुद्दा हाईलाइटेड मुद्दा छे, अगर ओहि पर काज नहीं कऽ पेलहुँ, अगर ओकरा हम सब धरातल पर नहीं आनि कऽ देलहुँ, तो 2 सालक बाद अहीं ई चीज के जनता सँ फीडबैक लियो, हमरा सबके बताओ, ऑन कैमरा कह रहल छी, ई अगर जनता एहि चीज से सहमत नहीं रहल कि काज केलखिन है, तो ऑन पेपर यहाँ के रिजाइन देते आफ्टर 2 ईयर, अगर हिनकर समीक्षा अहाँ के लिए पंचायत में, और समीक्षा में कतौ खड़ा नहीं उतरल तो हिनकर बिहाफ में कह रहा छी, एहि चीज के हमरा ख्याल से स्वीकृति इहो देते चाचा जी। अहाँ बजबे जी, मतलब सक्षम छी, अहाँ कार्यकर्ता बजल तो मतलब 2 वर्ष में सही में 24 महीना के बाद 25वां महीना में चाहे छी जो हम आबि कऽ जनता से फीडबैक ली, आ तहन अहाँ अगर काम नहीं केने रहबै तो तखने अहाँ रिजाइन दऽ सकै छी पंचायत में। जी जी जी, काम करब, नीक काम करब। अच्छा, हम सब बिचौलिया नहीं राखब, पब्लिक के सामने हम डायरेक्ट डील करब, पब्लिक हमरा से मिलता, हम हुनका हम सामने बात करबनि, हुनका जे प्रॉब्लम छन हमरा कहैत, हुनका हम पूरा कर कऽ देबनि, हम बिचौलिया के बीच पर नहीं जाए, हम डायरेक्ट बात करब पब्लिक से। हिनकर कहबाक छनि जे एजे मुखिया आ जनता दुएटा व्यक्ति ओतय रहते, मतलब मुखिया अपने रहता आ जनता रहते, और मतलब सारा समस्या के निदान हेतै। समस्या बताइए, राशन कार्ड भैया, देखिए ऐसा व्यक्ति है, इनका राशन कार्ड भी छीन लिया, नहीं लिया गया, हिंदू मुस्लिम के बारे में जो है ये लोग अपना पेट को पाल लिया है, आई लोग जो है मतलब राजनीतिक में यही विकास नहीं हो रहा है, गांव में विकास होना चाहिए, कितना के पास है, बदलाव चाहते हैं, इस बार बदलाव हो, गांव का विकास हो। नलका है नहीं, हम लोग को बिजली नहीं है, हम लोग को तो बड़ा दिक्कत है। नमस्कार, जय मिथिला, हम ललित मधुबनी गुड न्यूज से अहाँ सबके स्वागत करै छी। आइ अहाँ सबके बता दी हम जे मधुबनी जिला के रामपट्टी पंचायत में हम विजिट करै छलहुँ हँ, और पंचायत के दौरान जब हम देखलिए कार्यकाल देखलिए, तो बहुत हमर मन जे छै सन्नाटा रहि गेल, जे मतलब धरातल पर कोनो योजना नहि उतारल छै, सब योजना से पूरा जनता वंचित छै, ओ वीडियो सेहो देखायब। पंचायत के बीच ताहि बीच में हम जनता से जब पूछलहुँ, बातचीत केलहुँ जे की चाहै छी अहाँ सब, तऽ जनता एकेटा बात कहलनि जे हम एहिबेर बदलाव चाहै छी, और बदलाव में नाम छीन कर लेन तो एक व्यक्ति छे नवल किशोर झा, मतलब बहुत मतलब कहल जाए 20 वर्षों से तकरीबन समाज में संलग्न, तो समाज में नाम एलै व्यक्ति, तब आज हम आयल छी हुनका लग बैसल छी, और हुनका से सब चीज पर बात करब जे अहाँ पंचायत में कोन तरह से चुनाव लड़ै छी, की करऽ चाहै छी, आखिरकार अहाँ के नाम किया आबि रहल छै पंचायत में, जे हमर आबे वाला मुखिया बनता नवल किशोर जी, तो हम सबसे पहले हिनका मधुबनी गुड न्यूज में स्वागत करै छियनि, और चाहबनि जे पहले अहाँ अपने सब पहले अपन परिचय दे दू। नाम भेल नवल किशोर झा, घर रामपट्टी सिंहचोल भेल। हमरा बगल में एकटा युवा छथि, हिनकर कार्यकर्ता कहल जाए तो मतलब, और हम अहाँ सबके बता दी जे हमर भारत, और खास करके बिहार के बात करी, जे युवा पर देश टिकल छै, और बिहार में 80% युवा छै ओ बेरोजगार, एतय स्वास्थ्य और शिक्षा के व्यवस्था बढ़िया नहीं छै, तकर जिम्मेदार के सब चीज हम युवा से बात करब, हम एकटा युवा छी, और हम चाहे छी जे युवा हमरा से खुल के बात करता, बहुत सारा लोग एहन छै जे पंचायत में अपन समस्या नहीं बता सके छथि, तै हेतु सबसे पहले चाहब जे अपन पहले परिचय दऽ दियौ। जी नमस्कार, हमर नाम राघव झा अछि, और हम रामपट्टी पंचायत के 2 नंबर वार्ड में हमर घर अछि। जी हम अहाँ से बात करी जे पंचायत के विकासक बात करी, ओते टाइम तो नहीं है विकासक बात करब, हम ई कहब जे अहाँ के जे कैंडिडेट छथि नवल किशोर झा जी, सबसे पहले ई कहू जे ओ पंचायत में किया आयल है, की करय चाहे छथिन पंचायत में, अपन जॉब करै छलै तऽ बढ़िया छलै तऽ, आइ पंचायत में अबै के कारण की भेलै? देखियौ, सबसे पहले बात कहब कि जे हिनकर पर्सनैलिटी छनि ओ एकटा समाजसेवी के रूप में हमेशा से रहलनि, और ई पहले दिल्ली में रहै छलै तऽ, और ओतऽ काफी सम्पन्नता पूर्वक अपन जीवन व्यतीत करै छलै तऽ, लेकिन काफी हिनकर समाज सँ हिनकर जुड़ाव छनि, और अइ के लऽ कऽ ई जहन समाज में एलखिन हैं, और देखलखिन हैं कि समाज में कोन तरहक शोषण भऽ रहल छै, जे जनता के अधिकार छै ओ ओहिसँ वंचित छै वह जनता, और जते भी मान लिए अगर हम जमीनी स्तर से बात करी, जे भी सरकारक योजना छै ओ योजना कहियो आज तक जनता तक पहुँचबे नहि केलैए, जे हमर सबके प्राइमरी योजना अछि, स्वास्थ्य अछि, शिक्षा अछि, ओ सबमे अहाँके स्वच्छता छै,
से सरकार एक लेल इतने प्रयास कर रहल छै लेकिन आइ तक धरातल पर नहीं पहुँचले। हम अहाँ से बात करी जे समाज सेवा करे के लिए और इस सब योजना के लिए सबको बनायल जाए एक जिला पार्षद होइ छै, समिति होइ छै, वार्ड सदस्य होइ छै, मुखिया होइ छै, जिला पार्षद में समिति में प्रमुख बनि सकै छी, बड़का राजनीति कऽ सकै छी, प्रखंड में एक मुखिया किया चुनलिए अहाँ, मुखिया चुनाव लड़े के मुखिया बने के की मकसद? देखियो भैया, सबसे पहले कहल जाए छै अगर अहाँ देश के बदलो चाहे छे, पूरा दुनिया के बदलो चाहे छे, शुरुआत आदमी के अपना से करो पड़े छे, अपन घर से करो पड़े छे। अगर अहाँ के अपन घर से शुरुआत करे के है तो ओ में हमरा हिसाब से एखुनका टाइम में सबसे पैघ जे जिम्मेदारी होय छे से मुखिया लग छे और अधिकारो क्षेत्र हुनकर बहुत पैघ अधिकार क्षेत्र छनि और बहुत भारी लाभ ओ दऽ सकै छथिन अपन क्षमता के हिसाब से। जे भी सरकारी योजना छे बहुत चीज हुनकर अंतर्गत आबै छै और डायरेक्टली उनका जुड़ाव जे जनता से कह सकते हैं। बड़ी बात कहलिए 70% विकास करे के क्षमता है मुखिया जी में, बाकी जिला पार्षद में नहीं है छे, ओते कम है छे, 10% अहाँ के समिति के है छे। तो मुखिया जी के सही में बहुत पावर है छे और क्षमता है जे 70% पूरा विकास के सबसे मेन पावर कहल जाए तो मुखिया है छे, तैं मुखिया चुनो अहाँ। हम अहाँ से ई कही जे पंचायत के कार्यकाल हम देखबे के लिए जे भी छे पंचायत में जँ अहाँ मुखिया बनि के आबै छी तीन काम कहूँ हमारा पहले की कर। देखियो पंचायत में अगर प्रतिनिधि नवल किशोर झा जी अगर आबे तो हर सबसे पहल प्राथमिकता रहतन वो विद इन अ 6 मंथ के रहतन। जे भी अगर कोनो एहन चीज पेंडिंग छे पंचायत के जना नल जल योजना के अहाँ देखबे तो कोनो नल जल योजना भेल तो छे लेकिन बहुत तरह के त्रुटि तो अपना स्तर से सबसे पहले वो प्रयास करथिन कि पेंडिंग जते भी काज छे से आबे वाला 6 महीना में उसे कंप्लीट कर जाए। अगर अहाँ के बात पर आबे छी कि तीन टा कोन महत्वपूर्ण काज ही करथिन तो सबसे पहिल जो में हम बुझे छे कि लोकक स्वास्थ्य, कि स्वास्थ्य सबसे बेसी जरूरी छे एक दिन में। अगर अहाँ स्वस्थ छी तहने अहाँ कोनो दोसर चीज के ओर अहाँ के ध्यान जाए। तै के बाद अगर करबे तो अहाँ के शिक्षा छे, कि शिक्षा आइ काल्हि देखबे अहाँ कि स्कूल सब जे चलि रहल छे चाहे फिर जे भी शिक्षा मित्र छथि हुनका तरफ से गरीबक बच्चा छै ओ स्कूल नहि जाइ छै एहि पर ध्यान रहतन हिनकर। दोसर तेसर जे अहाँके रोजगार के लिए तो मनरेगा में अहाँके बहुत सारा एहन अधिकार मुखिया के क्षेत्र में आबै छै, तालाब खुनेनाइ छै ओ और अहाँके नहर सबके निर्माणक छै, ओहिमे अपन ई सुझाव और राखि सकै छथिन कि हमरो पंचायत में एते युवा बेरोजगार छै। जी जी बहुत नीक बात बतेलहुँ अहाँ, जे सबसे पहले स्वास्थ्य के बात केलहुँ, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार हमरा सबके तो तीने टा चीज तो जरूरते है। सोच हिनकर बहुत नीक छै और हिनका हम धन्यवाद देबनि। हम ई कही अहाँ के जे सब मुखिया 5 साल के लिए है छै, सब 5 साल मांगै छै, अहाँ कतेक टाइम लऽ रहल छियै जे मतलब कुछ किछ योजना छै जे मतलब अहाँ के कार्यकाल सँ पंचायत के लोग केना खुश रहता और कतेक टाइम में अहाँ पूरा करबै ई सब चीज योजना जे छै से सही में धरातल पर उतारबै, कते दिन के टाइम लऽ रहल छियै सब? देखियो जे टाइम की बात अहाँ कहलियै 5 साल एकटा ओ टाइम भऽ जाइ छै जहन कि अहाँके किछु निर्णय लेबे पड़त। अगर 5 साल में अहाँ काज केलियै तैयो और नहि केलियै तैयो, अगर नहि केलियै तहन अहाँ हटि जाय और केलियै तऽ फेर सँ आयब। लेकिन हमर सबके मुद्दा एहिसँ कनि हटि कऽ अछि, हम सब एहि चीज के क्लेम कऽ रहल छियै कि हम 2 साल में अहाँके अपन रिजल्ट आनि कऽ हम देखायब और ई ऑन कैमरा हम कहि रहल छी, हिनकर बिहाफ में कहि रहल छी, हिनका सामने कहि रहल छी। अगर हमर सबके 2 साल में अहीं एतऽ छी जे बात एतऽ अगर पंचायत में विकास के बात छै, जे भी मुद्दा हाईलाइटेड मुद्दा छै अगर ओहि पर काज नहि कऽ पेलहुँ, अगर ओकरा हमसब धरातल पर नहि आनि कऽ देलहुँ तऽ 2 सालक बाद अहीं ई चीज के जनतासँ फीडबैक यऽ, हमरा सबके बताओ। ऑन कैमरा कहि रहल छी ई अगर जनता एहि चीजसँ सहमत नहि रहल कि काज केलखिन हँ तऽ ऑन पेपर अहाँके रिजाइन देतथि आफ्टर 2 ईयर। अगर हिनकर समीक्षा अहाँ केलियै पंचायतमे और समीक्षामे ई कतौ खड़ा नहि उतरलै तऽ हिनकर बिहाफमे कहि रहल छी, एहि चीजके हमरा ख्यालसँ स्वीकृति इहो देतै। चाचा जी अहाँ बजबै एहि चीज पर जी, मतलब सक्षम छियै कार्यकर्ता बजलथि तऽ मतलब 2 वर्ष में सही में 24 महीना के बाद 25वां महीना में चाहै छी जे हम आबि कऽ जनता सब फीडबैक ली आ तहन अहाँ अगर काम नहि केने रहबै तऽ तखने अहाँ रिजाइन दऽ सकै छी पंचायत। जी जी जी, काम करब, नीक काम कऽ देब। अच्छा, जँ नहि करबै तऽ रिजाइन दऽ सकै छी? जी जी, मतलब पूरा बता रहल छी सब पंचायतवासी एकदम। हम बहुत बहुत धन्यवाद देबनि जे एहन मुखिया हेबाक चाही, एकटा जोश नवजोश जे कहल जाय कार्य के विरुद्ध में, मतलब कार्य करय लए क्षमता जे छै से मतलब हिनकर पूरा अग्रसित छै, हिनकर कार्यकर्ता में जँ एते बात छै दम छै तऽ हिनका में कते हेबाक चाही। हम अखन तक हिनकर कार्यकर्ता से बात केलहुँ, अहाँ सबके सोच हेबाक चाही जे हिनकर कार्यकर्ता में एते पावर छै, इम्यूनिटी छै, एते ऊर्जावान व्यक्ति छथि तऽ हिनका में की हेबाक चाही। हम बहुत बहुत धन्यवाद देबनि।
आखिरी में हम ई कहा चाहब अहाँ सब जे मतलब पंचायत के अहाँ के 20 तारीख के चुनाव रखल गया छे 20 अक्टूबर का अहाँ के सिंबल की जे चुनाव चीज और अपन मतदाता के अपन मतदाता जे पंचायत में छठ व्यक्ति वो छठे जे शहर में रहे छथि हम सब बिहार के छी और एतय के ज्यादातर लोग रोजगार नहीं होवे के कारण सब शहर में जाए छे रोजगार करे छे हुनका सब के अहाँ की कह चाहबे आमंत्रित करे छे 20 तारीख के या की कह चाहबे हम हाथ जोड़ के विनती करे छी जे अहाँ सब 20 तारीख के इलेक्शन छै अहाँ सब सब वोटिंग करबै और हमर छाप बैगन छाप छै और हमरा अहाँ सब वोटिंग करबै एहिठाम के नंबर पर वोटिंग जे अहाँके ईवीएम मशीन छै ओहिमे के नंबर पर 6 नंबर पर हमरा सबके वोटिंग छै हम एकटा युवा छात्र से बहुत देर से बात केलहुँ आखिरी में अहाँ अपना युवा साथी से की कह जाबे जे शहर में रहै छै की कह जाबे धन्यवाद आखिरी में हम यह अपन शब्द खत्म पहले करे से पहले कहो चाह कि जत्ते भी पढ़ल लिखल छथि और बाहर में रह रहल छथि और एक अपन सबके पावन पर्व छे अपन सबके एक अधिकार छे जे के अपना सबके भेटल है बदलाव के लिए तो 20 तारीख का तो इलेक्शन छे 20 तारीख का अहाँ सब एमे भाग लिय और जत्ते भी लोग एमे हिस्सा लो सके छी वो आबि के एमे हिस्सा लिय और अपन मत के दान करू जे कि जे हिसाब से कहलौं है कि हमर चचा जी इलेक्शन में ठार छथि मुखिया पद के हेतु तो हमर सब से निवेदन है कि एक पढ़ल लिखल युवा होय के नाते अहाँ के जिम्मेदारी बनी है कि एक नीक आदमी के अहाँ चुनू अपन पंचायत में जे अहाँ के घर पर अहाँ के फैमिली रहे छथि वो फैमिली के कोनो भी जरूरत जे पड़न तो वो आदमी अहाँ के संगे ठार रहे तो अहाँ सब से निवेदन कि अहाँ आओ और अपन बहुमूल्य वोट द के इनका अपन प्यार और सपोर्ट एंड आशीर्वाद इनका दियौन ओ जे कि वोट के रूपे हिनका मदद करते हैं इलेक्शन जीते में हमर सबके जहाँ तक चुनाव चिन्ह के बात है तो हमर सबके बैगन चुनाव चिन्ह भेल और ईवीएम के क्रमांक 6 पर रहत तो अपन सब अपन अपार बहुमत से हिनका विजय बनाबे के प्रयास करियो बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके आखिरी में हम सब से अहूँ सब से लेब विदा नमस्कार धन्यवाद जय मिथिला जय मैथिल जय हिंद जय भारत।